ये हमारा ओपन टेरिस है, पूरा रेन वाटर आ रहा है इस 4 इंची लाइन के थ्रू। 4 का भी यूज़ कर सकते हैं, 6 का भी यूज़ कर सकते हैं, ना? इसे हमने यहाँ से बैंड दे दिया। बैंड दे के ये लाइन एज इट इज़ नीचे आई है ना। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि पर्टिकुलर अपने फ्लोर से 5.5 फीट, 5.5 फीट की इसकी हाइट है लगभग। यहाँ से हमने इसमें एक टी लगा के टर्न कर दिया इसे, है ना। एक लाइन जो है हमारी जो ऊपर से आ रही थी कंटिन्यू, उस लाइन को हमने एज इट इज़ पूरा 90 डिग्री नीचे जाने दिया, ठीक है। ये दिया हुआ है उसका वॉल्व, ये एज इट इज़ जो हमारी मकान में दी हुई है रेन वाटर डिस्चार्ज की लाइन, चैम्बर में जाके कनेक्ट कर दिया, ये पूरा पानी उसके थ्रू चले गया। अब ये तो हो गया जनरल हमारा। इसके अलावा ये जो हमने उसे टर्न दिया हुआ है टी लगा के, इसमें क्या हुआ कि ये लाइन नीचे आई और इस लाइन में हमने हमारा कनेक्ट किया हुआ है फिल्ट्रेन। ये जो है 4 इंची वाला है, इसमें 6 इंची वाला ऑप्शन भी है अवेलेबल। इसमें पूरे ऑटो सिस्टम है अंदर क्लीन करने के, और इसे निकाल भी सकते हैं हम एक्चुअल में नीचे से, है ना। पूरा ओपन कर सकते हैं आप, देखेंगे आपको उसका बॉक्स में पूरा उसका गाइड मैनुअल वगैरह सब मिलेगा रीड करने के लिए, यूज़ करने के लिए किस तरह से उसे मैनुअली क्लीन करना है। और ये जो है नीचे से हमने इसे क्लोज़ कर दिया वॉल्व को, इसे टर्न कर लेंगे, पूरा पानी हमारा चैम्बर से होते हुए नाली में चले जाएगा नगर निगम का। इसे क्लोज़ करके रखा हुआ है तो ये पानी नीचे से, है ना, नीचे से इस लेवल पे आके यहाँ से वापस जो है पानी फिल्टर में उतर आया। अब ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को सेपरेटली हमने कनेक्ट किया है किसमें, जो हमारा मेन जो बोर वाली जो लाइन है उसके लिए हमने सेपरेटली इसे कनेक्ट किया हुआ है। तो ये जो पानी है ये डायरेक्टली हमारे बोर वाले चैम्बर में चले जाता है। ये हमारा रिचार्ज पिट है, बोर वाला चैम्बर, इसमें सारा का सारा पानी जा रहा है, ठीक है। ये एल्बो देके इस लाइन को जो हमारी वहाँ से आई है वाया फिल्टर होते हुए, ये हमने नीचे इसमें कनेक्ट कर दिया है। अब पूरा जो भी आता है बारिश के 4 महीने का पानी, वो पूरा एज इट इज पिट में चले जाता है। अभी ऑटो रिचार्ज हुआ करता है, इसलिए इसे चैम्बर पिट कहा गया है। और ये हमारा बोर है, एक बार फिर से आपको पूरा बता देता हूँ मैं। ये लाइन चली रेन वाटर की, आई नीचे आ गई। ये लाइन का एक पार्ट हमने सेपरेटली हमारा जो पूरा मकान का चैम्बर लाइन है उसमें कनेक्ट कर दिया, नीचे से वॉल्व लगा के उसे क्लोज किया। ये जो है पर्टिकुलर 5.5 फीट की हाइट पे है, इसे एज इट इज साइड कंडीशन पे कुछ भी चेंज किया जा सकता है, मकान हो चाहे कुछ और आपका किसी टाइप का स्ट्रक्चर हो कमर्शियल। ये लाइन इसमें आके ये कंसील्ड होकर पूरी लाइन गई, इसलिए आपको दिख नहीं रही है। और ये चैम्बर पिट में ला के छोड़ दिया,